देखिए, वीडियो के शुरुआत में ये चीज क्लियर कर देता हूं कि आपका व्रत रखना और आपके व्रत से भगवान का खुश हो जाना, इन दोनों का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। अगर आप ये सोचकर व्रत रखते हैं कि भगवान खुश हो जाएंगे, मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी, मुझे ये मिल जाएगा, और अगर लड़कियां ये सोचकर व्रत रखती हैं 16 सोमवार के कि मुझे अच्छा पति मिल जाएगा, तो ये गलत फहमी है। आप गीता उठा लीजिए, आप श्रीमद् भगवत कथा पढ़ लीजिए, आप रामायण उठा लीजिए, भगवान ने कभी भी किसी अध्याय में ऐसा नहीं कहा कि आप अगर मेरे लिए भूखे रहोगे तो मैं आपके लिए ये कर दूंगा, मैं आपको वो दे दूंगा। समझिए जरा इस चीज को। अरे, अच्छा पति मिलना, आपका काम बनना या ना बनना, ये भगवान के हाथ में थोड़ी होता है। ये तो जो आपने काम किए हैं पिछले जन्म में, उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। भाई, आज अगर आप दुखी हैं तो आप अपने कारणों से दुखी हैं। अगर आपको अच्छा पति नहीं मिला है या कुछ भी नहीं हुआ है, तो आपके पिछले जन्म के कर्म है वो। ऐसा थोड़ी होता है कि व्रत रखोगे तो अच्छा पति मिल जाएगा। अरे वाह, क्या बात है। तो भाई, इसमें भगवान को बीच में मत घसीटो। भगवान आपको कुछ भी नहीं दे रहा है, भाव रखिए, बट जो आपने किया है वही आपको मिल रहा है। समझिए जरा इस चीज को। ये हम लोगों का भाव होता है, हम लोगों की आस्था है कि हम भगवान के लिए ये करें। बाकी भगवान हमसे कभी कुछ नहीं मांगता। भगवान तो ये कहता है कि डफर, तू अच्छा इंसान ही बन जा बस। साला, नवरात्रों में तो हम 9 दिन व्रत रख रहे हैं और जैसे ही 10वां दिन होता है हमारा पैक खुल जाता है, समझ रहे हो? तो ऐसा करने से कहां हमें जो मांग रहे हैं वो मिलेगा। समझिए जरा इस चीज को। व्रत का सीधा सा ताल्लुकात आपके शरीर से है, शरीर की शुद्धि, दैट्स इट। आप अगर भूखे रह रहे हैं तो आपका शरीर शुद्ध होगा, आपका माइंड शार्प होगा, दैट्स इट। ये वीडियो का निचोड़ है। पुराने जमाने में ऋषि मुनि लोगों को कहा करते थे कि आप 7 में से 6 दिन खाना खाया करो, 1 दिन मत खाया करो। तो उनका सीधा सा ताल्लुकात यही होता था कि आपका जो शरीर है वो शुद्ध हो जाएगा, मगर लोग मानते नहीं थे। तब उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने कहा कि आप एकादशी का व्रत रखो, भगवान आपको ये देंगे। अब हम तो लालची हैं ही, हमने वो व्रत रखना शुरू कर दिया। समझो जरा इस चीज को। भैया, भूख लगना एक अलग चीज है और पेट खाली होना एक अलग चीज है। भूख लग रही है तो मतलब हमारा एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है, मगर अगर हमारा पेट खाली है तो समझ जाओ जितनी भी अच्छी चीजें होंगी वो जब होती हैं जब हमारा पेट खाली होता है। तो आप कुछ भी खाइए, आप ऐसा खाइए जो 2 घंटे में आपका पेट साफ हो जाए। अब लोग ये बोलते हैं रात को भूखा कैसे सोया जाए, हो सकता है आप कुछ भी खाइए, उसके 8 या 10 घंटे के बाद कुछ खाइए। ऐसा नहीं 2 घंटे खा लिया, फिर 2 घंटे बाद खा लिया, फिर 2 घंटे बाद खा लिया। और दोबारा बता रहा हूं, व्रत रखने का भगवान से कोई भी ताल्लुकात नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप भूखे रहोगे भगवान के लिए तो भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझिए इस चीज को। भगवान तो कहते हैं कि तू बस अच्छे काम कर, तू ईमानदार बन, मैं तुझसे वैसे ही खुश हो जाऊंगा। समझ रहे हैं? भगवान ने कभी ऐसा कहा है किसी अध्याय में कि तू भूखा रह मेरे लिए, तू व्रत रख मेरे लिए, मैं तुझे ये दे दूंगा? मुझे तो नहीं लगता और ना मैंने कभी पढ़ा। अच्छा, एक बात बताइए, क्या नवरात्रों में अगर हम व्रत नहीं रखेंगे तो क्या माता रानी नाराज हो जाएंगी हमसे, क्या हमें नहीं देंगी? अगर मैं जन्माष्टमी में व्रत नहीं रख रहा हूं तो श्री कृष्ण मुझे कुछ नहीं देंगे? अगर मैं शिवरात्रि पे व्रत नहीं रख रहा हूं तो भगवान शिव मुझसे नाराज हो जाएंगे? एक तरफ मैं व्रत रख रहा हूं, दूसरी तरफ मैं गालियां भी दे रहा हूं उसी दिन, तीसरी तरफ मैं शराब भी पी ले रहा हूं, तो उसका क्या ही फायदा यार? आप व्रत रख रहे हो नवरात्रे में और 9 दिन के बाद आप चिकन खा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि माता रानी आपसे खुश होंगी। तो समझिए जरा इस चीज को, व्रत रखने का और भगवान का कोई भी ताल्लुकात नहीं है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।